2016 में प्रशासन ने मीरगंज में कार्रवाई करते हुए वैश्यावृत्ति के ठिकाने से 200 से ज्यादा महिलाओं को आजाद करवाकर दशकों पुरानी महिलाओं की मंडी को खत्म कर दिया था। मीरगंज की पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए गुड़िया को 252 मुकदमे लड़ने पड़े। सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई अधिवक्ताओं ने फीस भी नहीं ली। इसके बावजूद 6 साल तक चले इस मुकदमे की पैरवी करने में संस्था को करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि इसे कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। महिला सम्मान और सुरक्षा को लेकर सरकार और हमारा समाज बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन उन दावों की हकीकत क्या है ये जब आप जमीन पर निकलते हैं तभी पता चलता है। प्रशासन के दावे और कार्रवाई के बावजूद भी प्रयागराज से वैश्यावृत्ति खत्म नहीं हो पाई है। आज भी प्रयागराज में हजारों की संख्या में महिलाएं वैश्यावृत्ति में संलिप्त हैं। मीरगंज में खत्म हुआ तो रक्तबीज की तरह शहर में अन्य जगह फैलने लगा। पहले जहां ये केवल मीरगंज तक सीमित था, अब यह शहर के अन्य जगहों पर भी छोटी छोटी मात्रा में होने लगा, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। मीरगंज से थोड़ी दूर स्थित पर 0 रोड बस स्टॉप है, वहीं से 500 मीटर की दूरी पर वैश्यावृत्ति का नया अड्डा तैयार होने लगा है। आप 0 रोड पे किसी से पूछेंगे तो आपको रास्ता बता देंगे, लेकिन अभी लोगों में मीरगंज में हुई धरपकड़ का डर है। ये काम अभी भी चोरी चुपके ही हो रहा है। जब आप 10 लोगों से पूछेंगे तो कोई एक ही रास्ता बताएगा। शालीनता से पूछेंगे कि काम क्या है तो आप बोलेंगे कुछ नहीं। पूछेगा कि लेना है क्या, जब आप कहेंगे हाँ तो आपको रास्ता बता देगा।